वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल मरकज़ नौहर सब्सक्राइब करें, पास में घंटी के निशान पर क्लिक करें वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुक्रिया। इस्तीमा आ गया, राहे हक फैलाने का रास्ता आ गया। इसीलिए इस्तीमा, इसीलिए जोड़ होते हैं। आज तो मेरे भाइयों, हमने इनको कुछ समझा नहीं है, क्या करूं मैं? आपको कैसे समझाऊं, आपको कैसे समझाऊं? आपके समझ में नहीं आती है। अल्लाह ने काम दिया, अंबिया इस्लाम वाला काम दिया है। ये वो काम है जिस काम को सवालात अंबिया इस्लाम ने किया है, ये वो काम है जिस काम को सवालात सहाबा किराम ने किया है। लेकिन हमने इस काम से मुंह मोड़ रखा है, रुख फेर रखा है। अगर ना समझ जाए, अल्लाह से मांगो, अल्लाह समझा दे इस काम के अंदर क्या चाशनी है, इस काम के अंदर क्या जज़बियत है। अरे मेरे भाइयों, लगोगे तभी पता चलेगा कितने लोगों की जिंदगी बदली है। नशा करने वाले बदले हैं, इसी रास्ते से बदले हैं। हाँ, बड़े बड़े गुनाहगार अगर बदले हैं, तुम दुनिया का दुनिया के अंदर गौर फिक्र करो और यहाँ मत देखो, दूसरी इलाकों में देखो जहाँ बड़े लोग की मेहनत में लगे हुए हैं, या तो चंद जवान लगे हुए हैं जिनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा ऊपर एतराज करते हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप दूसरे इलाके में जाकर देखो जहाँ बड़ी उम्र वाले लग रहे हैं। अल्लाह ने इस काम से और इस मेहनत की बरकत से किस तरीके से इख्तलाफ पैदा किया है, लोगों को किस तरीके से कैसी कैसी जिंदगियां बदली है। अरे जुनैद जमशेद को आपको सुना होगा, कहाँ था, किस हाल में था, कल जिंदगी गुजार रहा था। अगर मरता तो कहाँ जाता उस हाल में। लेकिन अल्लाह ने इसी काम की बरकत से जुनैद जमशेद को रहमतुल्लाह अलैह का लकब दिलवा दिया, रहमतुल्लाह अलैह का लकब दिलवा दिया। कितना किस हाल में गया है, अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ है। हालांकि कहा था, कैसे कैसे लोग की जिंदगियां बदल गई। इसलिए मेरे भाइयों, इसलिए हर साथी से इसकी मेहनत भी करे और अपने आप को हाजत और जरूरतमंद समझकर कि मेरा भी काम है, मुझे भी दीन की जरूरत है, मुझे भी इंसान की जरूरत है, इस जरूरत को समझकर की बातें होगी, अल्लाह के अलग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें होगी। इसलिए सारे साथी वहां जुड़े और इसी तरीके से 24-25-26 तारीख को हरियाणा के अंदर जो है करनाल जिला है, वहां पर भी बड़ा इज्तिमा हो रहा है, वहां भी साथ शिरकत फरमाए। अल्लाह